फातिमा सना मेडिकल कॉलेज की तलबात रिश्ता चंद रोज से कॉलेज के अंदर ही अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही थी। उनके इस एहतजाज पर कॉलेज इंतजामिया ने जब कान नहीं धरा तो तलबात जबरदस्ती कॉलेज से बाहर निकलाई और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के साथ इलहाक के खिलाफ शदीद नारेबाजी की, जबकि तलबात ने पंजाब यूनिवर्सिटी के हक में नारे लगाए। तलबात ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर UHS नामंजूर के नारे दर्ज थे। तलबात ने कालिज से पंजाब असम्बली तक मार्च का आगाज किया तो पुलिस एहलकारों ने उन्हें रोकने के लिए बैरियर्स लगा दिए। तलबात को जब असम्बली तक जाने की इजाज़त नहीं मिली तो उन्होंने कॉलेज के सामने ही धरना दे दिया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। तलबात ने कहा कि वो अपने हक के लिए निकली हैं, हुकूमत को उनकी बात सुनना होगी। हम UHS के साथ नहीं एसोसिएटेड होना चाहते हैं, हम पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ ही रहना चाहते हैं, क्योंकि UHS जो है वो एक यूनिवर्सिटी नहीं है, वो एक सिर्फ एग्जामिनिंग बॉडी है, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड भी रिकग्नाइज है। हम यहाँ पर तब तक रहेंगे जब तक या तो हमारी कोई हायर अथॉरिटी सुनता नहीं है, चीफ जस्टिस नहीं आता या CM हमारी बात नहीं सुनता, हेल्थ सेक्रेटरी को आके यहाँ पे सुने। तलबात कॉलेज के बाहर धरने के बाद एक दफा फिर पुरअज़्म होकर असेंबली की तरफ रवा दवा हो गई। रास्ते में ट्रैफिक ब्लॉक हो जाने के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मार्च के दौरान कई मुकामात पर शहरियों की तलबात से तलकलामी भी हुई। तलबात ने पंजाब असम्बली के सामने धरना दिया। तलबात ने हुकूमत से मुतालबा किया कि या तो फातिमा सना मेडिकल कॉलेज को अलहदा यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाए या फिर इसका इलहाक पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ कर दिया जाए। तलबात कमेटी की ऑर्गेनाइजर फरा ने बताया कि जब तक उनके मुतालबात मंजूर नहीं होते वो ये एहतजाज जारी रखेंगी। ये हमारा एफिलिएशन ये UHS के साथ कर रहे हैं तो हम PU के साथ रहना चाहते हैं और ये जब तक हमारे CM साहब हमारी नहीं सुनेंगे तब तक हम करते रहेंगे। पहले हम कॉलेज के अंदर थे, आज हमें मजबूरन बाहर रोडों पर निकलना पड़ रहा है। ये आपकी बेटियां, आपकी बहनें ये रोडों पर निकली हुई हैं, लेकिन हम नहीं चाहते थे लेकिन हम निकल गए हैं। इसलिए हम आपने मजबूर किया हमें यहाँ पर निकलने के लिए, तो इसी तब तक हम करते रहेंगे जब तक यहाँ पर कोई गवर्नमेंट का बंदा नहीं आ जाता। तालबात से चंद सियासी शख्सियात ने मुज़ाकरात भी किए लेकिन तालबात ने इन पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। तालबात की शदीद एहतजाज के बावजूद किसी हुकूमती एहलकार ने उनसे राबता नहीं किया। काशिफ बेग के साथ आजम मलिक, सिटी 42।